गाइस मैं हूं कैफ फ्रॉम नोएस्टेक और ये है फायरबोल्ट की नई स्मार्ट वॉच रॉक। हम इस वॉच को 8 से 10 दिन से यूज कर रहे हैं। इस वीडियो का लेट होने का मेन रीजन यही है कि हमने एकदम प्रॉपर टेस्टिंग की है इस वॉच की। इसको जब मैंने फर्स्ट टाइम देखा पूरी की पूरी पिक्सल वॉच वाला लुक दे रही है एंड कुछ अमेजिंग फीचर्स के साथ आती है काफी कम प्राइस ब्रैकेट में। 2800 रुपए में लॉन्च हुई है, मे बी आगे जाके आपको 3000 के आसपास देखने मिले। और भाई हम प्रॉपर एकदम 4-5 दिन 10 दिन 12 दिन के यूजेज के बाद वीडियो बनाना पसंद करते हैं, ना कि सिर्फ डायरेक्ट डब्बा खोल वाली वीडियोस। तो उसके लिए भाई चैनल को लाइक और सब्सक्राइब बनता है क्योंकि आपको ऐसी प्रॉपर जेन्युइन वीडियोस मिलती रहेगी। सबसे पहले बॉक्स को ही देख लेते हैं। ऊपर देखोगे तो एमएस धोनी फायरबोल्ट का ब्रांडिंग रॉक वॉच दिख जाएगी। कुछ की हाईलाइट दिखेंगे, लेफ्ट साइड पे भी की हाईलाइट है, राइट साइड पे की हाईलाइट है, बॉक्स के पीछे भी की हाईलाइट है। डब्बे को ऐसे खोला तो ऑफकोर्स सबसे पहले ऊपर आपको आपकी वॉच मिल जाएगी। वॉच अलग, स्ट्रैप अलग, आगे मैं आता हूँ इनको कैसे लगाना क्या है अंदर। बाकी नीचे आपको एक और छोटा सा डब्बा मिलेगा, इसको साइड रखते हैं। सबसे पहले आपको आपके यूजर मैनुअल एंड ऑफकोर्स फायरबोल्ट के ये कार्ड। उसके बाद इस बॉक्स के अंदर आपको मिलेगा कुछ काम का सामान। सबसे पहले तो ऑफकोर्स आपका चार्जर है। चार्जर के बाद आपको कुछ छोटी सी क्लिप्स मिल जाएगी। ये छोटी सी क्लिप्स एक्चुअली आपका स्ट्रैप और वॉच को कनेक्ट करने के लिए। इस वॉच के अंदर आपको 20mm 22mm ऐसे टाइप के स्ट्रैप्स नहीं मिलते, इसमें क्लिप ऑन टाइप के स्ट्रैप्स मिलते हैं। ऐसे स्ट्रैप्स को लगाया देन उसके ऊपर ही क्लिप्स को लगाया एंड देन लग जाते हैं। दोनों साइड स्ट्रैप्स है तो ऑफकोर्स आपको दो एक साथ लगेंगे, पर ये लोग ने एक्स्ट्रा आपको और दो दिए बॉक्स अंदर ताकि अगर ये टूट जाए या घूम जाए तो आपके पास और एक्स्ट्रा रहेंगे। अब अगर आप सोच रहे होंगे फायरबोल्ट ने ऐसे वाले स्ट्रैप्स क्यों दिए, इसका मेन रीजन ये है कि इस वॉच का थोड़ा सा डिजाइन अलग है, तो इसमें वो 20mm 22mm वाले स्ट्रैप्स प्रॉपरली लग नहीं पाएंगे इसके लिए। अब आते हैं भाई डिजाइन पे। पूरा आपको एक अच्छा प्यारा सा मेटालिक डिजाइन मिलता है। हमारे पास ये दो कलर है, एक है ये ब्लैक, दूसरा है ये गोल्ड। दोनों ही बहुत ज्यादा अच्छे दिखते हैं। मतलब ब्लैक ऑफकोर्स एक ऑल टाइम फेवरेट कलर है जो क्लास दिखता है, बट भाई ये गोल्ड वाला क्या दिखता है, मस्त दिख कर आता है ये कलर। मैंने जब इसको फर्स्ट टाइम देखा ना भाई क्या दिख क्या रहा था। प्रॉपर इसके मेटल के ऊपर गोल्ड कलर के एक्सेंट्स दिए गए, इसके ऊपर आपको पूरा ब्लैक ग्लॉसी मेटल दिखेगा। वॉचेस के कलर सही में अच्छे दिख कर आ रहे। इसमें आपको दो बटन वाला डिजाइन मिलता है। इसका जो ऊपर वाला बटन है ये एक फ्लैट बटन है, इसको आपने दबाया तो ये आपको स्पोर्ट्स मोड्स में लेके जाएगा। अभी नीचे वाला बटन दबाया तो ये डिस्प्ले वेक का काम करेगा, दूसरी बार दबाया आपको मेन्यू में लेके जाएगा, तीसरी बार दबाया वापस आपको होम स्क्रीन पर लेके आएगा। उसी के साथ इसके अंदर आपको रोटेटिंग क्राउन भी मिलता है, जिसका मतलब आप यहाँ पे अपने वॉच फेस चेंज कर सकते हो, यूआई के बीच में स्क्रोलिंग कर सकते हो और आवाज आती है। काफी ज्यादा टैक्टाइल फीडबैक है एंड वॉच हाथों पे काफी ज्यादा प्रीमियम लगी मुझे, दिखने में सही में वॉच अच्छी है। एक चीज मुझे अच्छी लगी कि यहाँ आपको 3 ATM की रेटिंग मिल जाती है, मतलब 30 मीटर पानी में आप इसको स्विमिंग के लिए लेके जा सकते हो और ये सब कुछ झेल लेगी। इस वॉच के वेट की बात करूँ तो मेटल होने के कारण थोड़ा सा वेट ज्यादा है, 60 grams के आसपास। बहुत ज्यादा हेवी तो नहीं बोल सकते, थोड़ा सा ज्यादा है। राइट साइड पे माइक मिल जाएगा, लेफ्ट साइड पे मिल जाएगा स्पीकर, क्योंकि यहाँ पे ब्लूटूथ कॉलिंग का सपोर्ट मिल जाता है। आ जाते हैं इसके डिस्प्ले के ऊपर। भाई एकदम चकाचौन डिस्प्ले, 3 inch का AMOLED डिस्प्ले, 390x390 का रेजोल्यूशन है। साथ ही साथ इसमें आपको ऑलवेज ऑन डिस्प्ले भी मिल जाता है क्योंकि ये एक AMOLED है जो बहुत अच्छी क्वालिटी का है। अगर आप यहाँ पे सेटिंग्स में जाओगे, AOD क्लॉक में जाओगे तो आपको दो ऑप्शन मिल जाते हैं, डिजिटल एंड एनालॉग के। तो दोनों काफी अच्छे दिखते हैं। ऑलवेज ऑन डिस्प्ले की ब्राइटनेस ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट एक्चुअल डिस्प्ले की जो ब्राइटनेस है वो है 550 nits। ये वॉच आउटडोर में एकदम प्रॉपरली विजिबल है, कोई प्रॉब्लम नहीं है ब्राइटनेस को लेके मुझे। यहाँ पे आप यहाँ पे देख सकते हो क्लियर विजिबिलिटी यहाँ पे रहेगी, कोई इश्यू मुझे नहीं दिखा आउटडोर में। और आपको सबसे अच्छी बात इस वॉच की क्या लगी, इस वॉच की रेस टू वेक की स्पीड अमेजिंग स्पीड्स के साथ आती। भाई इतना फास्ट रेस टू वेक एक बजट वॉच में मैंने नहीं देखा है, एकदम भाई जबरदस्त रेस टू वेक की स्पीड है, फटफट ये वॉच काम करती है। साथ ही साथ यहाँ पे आपको 60Hz भी मिल जा रहा है UI में, जिसके कारण UI भी बहुत ज्यादा स्मूथ है। आप कहीं पे भी स्क्रोल करो आपको अच्छी स्मूथनेस देखने मिलेगी इस वॉच में, जो डेफिनेटली एक हाईलाइटिंग फीचर बन जाता है इस वॉच का। अगर मैं यहाँ पे सेंसर्स की बात करूँ, प्रॉपर रेड लाइट सेंसर, ग्रीन लाइट सेंसर, हर लाइट का सेंसर दिया है यहाँ पे, क्योंकि प्रॉपर SpO2 एंड हार्ट रेट मिल जाता है, 24 आवर हार्ट रेट मिल जाता है। वॉच के सेंसर्स काफी ज्यादा अच्छा काम करते हैं। ये वॉच आपको फालतू रीडिंग नहीं देगी, प्रॉपर बताएगी आपको आपने जब वॉच पहना उस टाइम पे ही आपको रीडिंग मिलेगी इस वॉच के अंदर। क्वालिटी सेंसर्स की काफी अच्छी है। उसी के साथ साथ ऑक्सीमीटर से कंपेयर किया तो 1-2% 2-3% का फर्क था, उससे ज्यादा का फर्क नहीं आ रहा था। उसी के साथ साथ इस वॉच की स्लीप ट्रैकिंग मैंने देखा काफी अच्छी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट आप एक चीज याद रखना है इस वॉच में एक्चुअल ऑलमोस्ट हर बजट वॉच में, सपोज आप रात में सोए सुबह 5-6 बजे आप उठे थे कहीं वॉशरूम जाने के लिए, फ्रेश होने के लिए, किसी काम से, अब विद इन 5 मिनट या 2 मिनट पर आप आके सो गए एंड इसने अगर उस टाइम पे स्लीप ट्रैकिंग स्टॉप कर दिया तो ये वही पे स्लीप ट्रैकिंग को स्टॉप कर देता है। ऐसे नहीं कि आप फिर से 6 बजे सोए और 8 बजे उठे तो ये एक्स्ट्रा 2 घंटे गिनेगा, वो 2 घंटे ये नहीं गिनेगा। तो अभी आप देखोगे हमने यहाँ पे चले हैं 67 steps, 1, 2, 3, 4, 5
50 स्टेप्स चलने के बाद अब ये है 116 स्टेप्स के ऊपर, मतलब 67 प्लस 50, एक्चुअल में ये अभी 117 पे होनी चाहिए पर 116 पे, मतलब 50 की जगह इसने 49 स्टेप्स लिए, जो बेसिकली 95% प्लस एक्यूरेसी हो गई। उसी के साथ साथ में इसके यूआई पे आने से पहले मुझे इसके ऐप की बात करनी है। इसके ऐप का नाम है ऑनवेयर प्रो और इसका ऐप आप देखोगे ना ये एग्जैक्टली सिमिलर है डीजो के ऐप से। सामने का यूआई पूरा का पूरा वही का वही मिल जाता है इस वॉच के अंदर आपको। यहाँ सामने आप देखोगे तो आपको पूरा डेटा मिल जाएगा, डायल सेंटर मिल जाएगा, यही से ही आप मल्टीपल वॉच फेसेस डाउनलोड कर सकते हो, अपनी वॉच के ऊपर लगा सकते हो। माय डायल में आपको आपके फेवरेट वॉच फेसेस भी दिख जाते हैं। यहाँ पे कस्टम डायल का ऑप्शन है, कस्टम डायल भी अपना कोई भी फोटो लगा के बना सकते हो। उसी के बाद यहाँ पे आपको बाकी सारा डेटा सामने मिल जाएगा। एक्सरसाइज में जीपीएस बेस्ड वर्कआउट ऐप से स्टार्ट हो जाता है। मी में जाओगे तो आपको वॉच की कई सारी सेटिंग्स मिल जाएगी यहाँ पे, और आपको कैमरा कंट्रोल, नोटिफिकेशन, हार्ट रेट की सेटिंग, 24 आवर हार्ट रेट, ये सारी चीजें मिल जाती है। वॉच पे आप देखोगे तो आपको 10-15 स्पोर्ट्स मोड से ज्यादा नहीं मिलते हैं, तो 110 कैसे हुए भाई? आपको बाकी के स्पोर्ट्स मोड्स इसके ऐप से पुश करने हैं। अब यहाँ पे थोड़ा बहुत डीजो जैसा प्रॉब्लम है कि आपको एक साथ यहाँ पे 10-15 ही देखने को मिलते हैं एंड पूरे एक साथ आप 100-110 स्पोर्ट्स मोड नहीं देख सकते हो। बाकी इस ऐप के अंदर आपको काफी सारी सेटिंग मिल जाती है। अगर मैं वॉच की बात करूँ तो इसका यूआई ऑफकोर्स पूरा डीजो वाले यूआई के जैसा ही है, कोई फर्क यहाँ पे नहीं है। ऊपर से नीचे कंट्रोल सेंटर, ब्राइटनेस, रेस टू, एक चीजों को ऑन कर सकते हो, सेटिंग में जा सकते हो, सेटिंग के अंदर बहुत सारी नई नई सेटिंग देखने मिली है। मेन्यू का स्टाइल चेंज करना है यहाँ पे चेंज कर सकते हो, वॉच फेसेस, ब्राइटनेस, स्क्रीन ऑन टाइम, एओडी टाइम, स्क्रीन टाइम, रेस टू, एक काफी सारी चीजें यहाँ पे, वाइब्रेशन इंटेंसिटी, लैंग्वेज, पासवर्ड भी इस वॉच के ऊपर आप लगा सकते हो। उसी के साथ नीचे से ऊपर क्या तो आपको सारे मैसेजेस दिख जाएंगे। लेफ्ट साइड की तरफ गए तो एक छोटा सा पैनल खुलता है जहाँ आपके रिसेंट एप्स दिख जाते हैं, कॉलिंग का मेन्यू को भी यहाँ से डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हो। उसी के साथ राइट साइड पे जाओगे तो आपके सारे कंपोनेंट्स दिख जाएंगे। आगे प्लस का ऑप्शन है, प्लस पे क्लिक करके और कंपोनेंट नीचे ऐड कर सकते हो। अगर आपको मेन्यू का व्यू चेंज करना है तो इसी वाले बटन को 2 बार फटाफट प्रेस करो तो आपका मेन्यू का व्यू चेंज करेगा। जैसा मेन्यू का व्यू आपको चाहिए आप लगा सकते हो। काफी सारे मेन्यू के व्यूज दिए हुए हैं यहाँ पे। यहाँ पे आपको वॉइस असिस्टेंट भी मिल जाता है। आपके फोन में गूगल है, सीरी है, बस इसको दबाओ एंड वो एक्टिवेट कर देता है। उसके बाद यहाँ पे आपको वेदर अपडेट, फीमेल मेंस्ट्रुअल ट्रैकिंग, म्यूजिक कंट्रोल, स्टॉपवॉच, टाइमर, अलार्म, मेडिटेशन, कैमरा कंट्रोल, फाइंड माय फोन, ये सारी चीजें मिल जाती है इस वॉच के ऊपर। ये सब छोड़ दो कि भाई ये उसका कॉपी है, इसका कॉपी है, ठीक है कॉपी है। इन दी एंड बात इस पे आती है कि ये काम कैसा कर रही है। काम डेफिनेटली अच्छा कर रही है, नो प्रॉब्लम्स। उसी के साथ यहाँ पे माइक एंड स्पीकर है तो आपको कॉलिंग का सपोर्ट भी मिल जाता है। जिसको भी कॉल लगाना है आप कीपैड से डायरेक्टली नंबर डाल के कॉल कर सकते हो या अपने फेवरेट कॉन्टैक्ट्स इस वॉच के ऊपर सेव कर लो एंड वन टैप पे कॉल लगा सकते हो। मैंने एक छोटा सा माइक टेस्ट भी बनाया है, वो भी आप सुन सकते हो। सो गाइस, ये जो आप अभी आवाज सुन रहे हो ये अभी आवाज है डिजिटेक के वायरलेस माइक की स्विच, और अब आप जो आप आवाज सुन रहे हो ये है माइक क्वालिटी इस फायरबोल्ट की रॉक की। तो भाई मैं आउटडोर हूँ, बाहर ट्रैफिक की आवाज आपको आ रही होगी थोड़ी बहुत। मेरे इस फोन से ये कनेक्टेड है एंड इस क्वालिटी को आपको सुनने के बाद समझ में आ जाएगा कि यहाँ पे कॉल क्वालिटी आपको कैसी मिलती है। बैटरी में ये इजिली वॉच 3 दिन तो आपकी चली जाएगी। अगर आपके सारे फीचर ऑन है, जैसे ब्लूटूथ कॉलिंग ऑन है, रेस टू एक ऑन है, ऑलवेज ऑन डिस्प्ले ऑन है, 24 आवर हार्ट रेट मॉनिटरिंग ऑन है, कॉल, मैसेज, व्हाट्सएप, ये सारे अलर्ट्स ऑन है, फिर भी मेरे हिसाब से वॉच आपका 2 दिन आराम से चल जाएगी। अगर आप कॉलिंग फीचर नहीं यूज करते हो या फिर ऑलवेज ऑन डिस्प्ले बंद करते हो तो आपकी यहाँ पे बैटरी इजिली 3 डेज प्लस चल जाएगी। एंड मेरे हिसाब से सारे फीचर्स ऑन के साथ भी कोई बैटरी अगर आपको 2 दिन चल रही है, कोई काफी अच्छी बैटरी लाइफ है मेरे हिसाब से। फाइनली वर्डिक्ट के टाइम आप मुझे बोलेंगे सिर्फ तारीफ ही जड़ दी, प्रॉब्लम्स तो बता। मेरे हिसाब से इस प्राइस ब्रैकेट में इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, हर चीज प्रॉपर काम कर रही है, हर चीज फायरबोल्ट ने सही दी है, इसलिए मुझे यहाँ पे कंप्लेन नहीं करनी है। 2800 से लेकर 3200-3300 तक भी आप इस वॉच को ले सकते हो एंड इसको बाय करने की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। गाइस आज की वीडियो के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। बाय।